हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मेरा नाम सतीश, आपको स्वागत है फैंटेसी विद शत्रुघ्न चौबे चैनल में। तो दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं नेदरलैंड वुमेन वर्सेस फायरब्रेक 11 के बीच में होने वाला सेकंड T20 मैच के बारे में। तो दोस्तों, अगर लीग की बात करें, फायरब्रेक वुमेन टूर ऑफ नेदरलैंड है दोस्तों। यहाँ पर ये जो मैच है, डेट एंड टाइम की बात करें, 6:30 बजे शाम को खेला जाएंगे। पिच बैटिंग के लिए फेवरेबल है, एवरेज स्कोर 130 से 150 रन तक बन सकते हैं। और यहाँ पर वेन्यू की बात करें, वीआरडी ग्राउंड एम्सलेवन में खेला जाएंगे दोस्तों। यहाँ पर अगर दोनों टीम की फॉर्म की बात करें, नेदरलैंड में लास्ट दो मैच पे दोनों मैच हारी, फायरब्रेक वुमेन्स 11 की बात करें, दो मैच जीते, एक मैच हार गए। तो यहाँ पर अगर इन दोनों टीम के बीच अगर हेड टू हेड की बात करें दोस्तों, एक ही बार हुआ, वो पहला T20 मैच हुआ था दोस्तों, वहाँ पर फायरब्रेक वुमेन 11 ने ये मैच आसान से जीत लिया था। तो दोस्तों, यहाँ पर इन्फॉर्मेशन जानने के बाद आपको मैं दोनों टीम की स्टैट्स दूंगा। नेदरलैंड्स वुमेन्स के लिए आपको विकेट कीपर, बैट्समैन, ऑलराउंडर कौन आएंगे, बॉलर कौन डिपार्टमेंट संभालेंगे। इसी प्रकार फायरब्रेक 11 वुमेन के विकेट कीपर, बैट्समैन, ऑलराउंडर, बॉलर्स कौन आएंगे, ये सारा इन्फॉर्मेशन आपको मैं डिटेल से समझाऊंगा। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, आपको ना मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना है। तो टेलीग्राम का जो लिंक है दोस्तों, मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दे चुका हूं, इसके साथ साथ दोस्तों कमेंट सेक्शन में भी पिन किया। अब वहां जाके लिंक पे क्लिक करना दोस्तों, लिंक करेंगे तो डायरेक्ट मेरे टेलीग्राम चैनल पे आ जाओगे। यहीं पर आपको फाइनल टीम फर्दर अपडेट सब कुछ देते रहूंगा दोस्तों। यहां पर आज जो सवेरे मैच हुआ था दोस्तों, नेशनल T20 कप, तो पाकिस्तान का लीग भारतचिस्तान वर्सेज सतरन पंजाब के बीच में। तो यहां पर आप देख सकते हो दोस्तों, यहां पर मेरे रैंक वन आए 5 स्पॉट्स पे दोस्तों। यहां पर आप देख सकते हो रैंक वन है। इसी प्रकार दोस्तों, एक मैच नहीं, आज एक और मैच है दोस्तों शारजाह की। तो यहाँ पर शारजाह के मैच में देख सकते हो 100 मेंबर्स में यहाँ पर सेकंड रैंक है। अगर आप ग्रैंड लीग, मिनी ग्रैंड लीग खेलते हो तो 100 मेंबर्स में यहाँ पर आसान से जीत जाओगे, उसके बाद रैंक वन है। लेकिन मैं हमेशा की तरह आपको मैं बताता हूँ दोस्तों, अगर आप मेरे टीम के साथ हेड टू हेड खेलोगे, उसके बाद दोस्तों 3 स्पॉट्स अगर आप खेलोगे तो और 5 स्पॉट्स भी आप खेल सकते हो मेरे टीम के साथ, आप 100% विनिंग में रहोगे। अगर आप ये जानते हुए भी आप ग्रैंड लीग पे फोकस करोगे दोस्तों, तो आपको नुकसान होगा। क्योंकि मैं हमेशा की तरह मैं यही बात बार बार रिपीट करता हूँ, आपको स्मॉल लीग हेड टू हेड उसके बाद 3 स्पॉट्स पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, 4 स्पॉट्स के लिए, 5 स्पॉट्स के लिए, तो आप हमेशा आप विनिंग में रहोगे। अगर ग्रैंड लीग जीतना है दोस्तों, तो आपको वीडियो पूरा एंड तक देख लेंगे तो आपको सारा इन्फॉर्मेशन यहीं पर मिल जाएंगे, तो आप एक ग्रैंड लीग टीम बना सकते हो। तो ग्रैंड लीग में दोस्तों आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर जो मैं टीम दे रहा हूँ वही टीम लीजिए, लेकिन आपको रिसेंट परफॉर्मेंस की स्टैट्स देकर आप कैप्टन वाइस कैप्टन रिवर्स कीजिए, आप यहाँ पर ग्रैंड लीग भी आपको जीतने की चांसेस बढ़ जाएगा। तो यही काम आपको करना है दोस्तों। तो टेलीग्राम का लिंक अगर बाय मिस्टेक लिंक ओपन नहीं होता तो क्या करना था दोस्तों, आपको टेलीग्राम पर जाना है, @ उसके बाद मेरे चैनल का नाम टाइप करना दोस्तों शत्रुघ्न, उसके बाद 225 आप स्क्रीन पे देख सकते हो, 225 इस प्रकार सर्च करना दोस्तों यहाँ पर, तो देख सकते हो स्क्रीन पे यहाँ पर 1100 प्लस यूजर्स मेरे चैनल को ज्वाइन कर चुके हैं। लेकिन दोस्तों, 2 यूजर्स हैं मेरे नाम पे फेक चैनल बना के रख चुके हैं। तो दोस्तों, इससे आप दूर रहिएगा, इससे आप कितना दूर रहेंगे आपके लिए उतना बेनिफिट रहेगा। तो आपको मेन चैनल किस प्रकार समझना है तो आपको मैं बता देता हूँ दोस्तों। आपको ना यहाँ पर जिस एप्लीकेशन पर मैं खेलता हूँ उसका लिंक मिलेंगे, उसके बाद दोस्तों यूट्यूब का लिंक होगा, उसके बाद दोस्तों थंबलाइंस होंगे, मेरा यूट्यूब का जो थंबलाइन है ये भी होगा दोस्तों यहाँ पर, उसके बाद विनिंग स्क्रीन शॉट सब कुछ यहाँ पर इन्फॉर्मेशन आपको मैं टेलीग्राम पे देते रहता हूँ। तो टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लीजिएगा। अब दोस्तों, लेट नहीं करेंगे, यहाँ पर सारे प्लेयर्स के स्टैट्स जानेंगे, उसके बाद एक बेहतरीन टीम बनाएंगे दोस्तों। यहाँ पर नेदरलैंड्स वुमेन की बात करें, यहाँ पर विकेट कीपर में दोस्तों बैबेटी लीडी है, लास्ट मैच में 70 रन बनाए, राइट हैंड बैट्समैन है दोस्तों। यहाँ पर जूलियन वैन वायलेट की बात करें, यहाँ पर 4 रन बनाए। तो यहाँ पर ओवरऑल स्टैट्स देखे भी अगर जूलियन को आप लेना चाहते हो तो यहाँ पर ये ज़्यादा मैचेस नहीं खेले, एक्सपीरियंस कम है, तो यहाँ पर आपको बैबेटी दे लेडी को आप कंफर्म कर सकते हो। और बैट्समैन में दोस्तों यहाँ पर आपको रॉबिन रिज के लास्ट मैच में 14 रन बनाए दोस्तों, बड़ा स्कोर तो नहीं बना। जूलियट पोस्ट की बात करें, लास्ट मैच में 9 ही रन बनाए, एक ही मैच खेले दोस्तों। यहाँ पर इनका ओवरऑल स्टैट्स अगर आप देखना चाहते हो तो देख लीजिएगा यहाँ पर। उसके बाद एनमजिन थॉमस की बात करें दोस्तों, यहाँ पर लास्ट मैच में भी नहीं खेले, यहाँ पर 4 मैच 1 इनिंग में 1 रन है। लेकिन फ्रेडरिक वॉवरडिस की बात करें, एक्चुअल इनका रोल जो है ऑलराउंडर है, लेकिन इनको बैट्समैन पर चेंज किया गया दोस्तों। 2 रन 2 विकेट नहीं, तो आप इनको जरूर कन्फर्म कीजिएगा टीम में। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आते हैं रॉबिन रिज के बहुत सारे प्लेयर्स है, तो बैबेटी दिल लीडी यहाँ पर विकेट कीपर है, लेकिन बैट्समैन में दोस्तों यहाँ पर रॉबिन रिज के को आप यहाँ पर ले लीजिए, और जूलियट पोस्ट को भी आप अपने टीम में ले सकते हो। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर ऑलराउंडर्स में किसको लेना चाहिए, तो आनम बीज वैन बेग्यू की बात करें दोस्तों, लास्ट मैच में 0 रन 0 विकेट है। आयरिश ज्वेलिंग की बात करें, 1 रन कोई विकेट नहीं, लेकिन इनका ओवरऑल स्टार्ट देखा जाए तो बड़ा स्कोर नहीं इनके पास है। यहाँ पर आयरिश ज्वेलिंग की बात करें दोस्तों, यहाँ पर विकेट्स तो लिए हैं, इकोनॉमिक भी अच्छा है, तो यहाँ पर आयरिश ज्वेलिंग को आप अपने टीम में ले लीजिएगा। अब दोस्तों यहाँ पर गेंदबाजी में आते हैं, कैरलिन डी लांजे है यहाँ पर, लास्ट मैच में 9 रन कोई विकेट नहीं। एवा लिंच की बात करें दोस्तों, यहाँ पर लास्ट मैच नहीं खेले, यहाँ पर इनकी ओवरऑल स्टार्ट आप देख सकते हैं, यहाँ पर T20 का ODI का दोस्तों, तो ज़्यादा मैचेस नहीं खेले यहाँ पर इन दोनों। दी वेंडर वार्निंग की बात करें, 6 मैच 1 इनिंग 4 इनिंग 6 विकेट 6 इनिंग में 1 विकेट 7.33 इनका अकाउंट में, तो यहाँ पर आपको कॉर्लिन दी लैंजे, उसके बाद ईवा लिंच एक अच्छा प्लेयर है दोस्तों, आप इनको पिक कर लीजिएगा। अब दोस्तों यहाँ पर
बॉलर्स, ऑलराउंडर्स, बैट्समैन, विकेट कीपर के स्टैट्स जानने के बाद इसी प्रकार हम लोग फायर ब्रेक इलेवन की भी स्टैट्स जान लेंगे। विकेट कीपर में दोस्तों यास्मिन दासवानी है, 39 रन बनाए। अरियाना डोसी की बात करें 18 रन बनाए। तो यहाँ पर विकेट कीपिंग पे दोस्तों यहाँ पर यास्मिन दासवानी आपको एक अच्छा पिक रहेंगे। उसके बाद बैट्समैन में दोस्तों कैरी एंड टॉमलिसन की बात करें, आप इनको जरूर टीम में लीजिएगा दोस्तों, एक बेहतरीन प्लेयर है। उसके बाद रॉबर्ट एवेली की बात करें तो कैरी एंड टॉमलिसन की बात करें लास्ट मैच में 62 रन बनाए। तो रॉबर्ट एवेली की बात करें यहाँ पर देख सकते हैं 24 मैच में 325 रन, 15 विकेट है, लेकिन लास्ट मैच पे जीरो पे आउट हो गए दोस्तों। यहाँ पर लॉरा बेली की बात करें यहाँ पर 2 विकेट लें। तो यहाँ पर कैरी एन टॉमलिसन, उसके बाद लॉरा बेली को आप यहाँ पर अपने टीम में कंफर्म कर दीजिएगा। अब दोस्तों यहाँ पर ऑलराउंडर्स में किसको पिक करना, मारिको हिल की बात करें लास्ट मैच में 12 रन, 2 विकेट लिए दोस्तों। यहाँ पर पॉपी मैगियन की बात करें विकेट नहीं मिला दोस्तों। जैनाब खान की बात करें 0 विकेट है। जो फॉस्टर की बात करें 1 विकेट है। तो यहाँ पर दोस्तों आपको मैं किस किस को लेने के लिए आपको बताऊंगा, मारिको हिल, उसके बाद दोस्तों जो फॉस्टर, इन दोनों को आप अपने टीम में कन्फर्म कर लीजिएगा। तो दोस्तों ये दोनों एक अच्छा पिक रहेंगे ऑलराउंडर्स में। उसके बाद गेंदबाजी में रुचिता वेंकटेश है दोस्तों, अभी तक तो नहीं खेले, 21 मैच में 8 विकेट, 76 रन है। गुंजन शुक्ला की बात करें कमाल की गेंदबाजी की, 2 विकेट ली। सोनाली पटेल यहाँ पर 10 रन, कोई विकेट नहीं। और बाविका गाजीप्रा की बात करें 1 विकेट ली दोस्तों यहाँ पर। तो आपको गुंजन शुक्ला को कंफर्म करना है दोस्तों यहाँ पर, बाविका गजीप्रा को आप यहाँ पर अपने टीम में ले लीजिए, और सोनाली पटेल भी यहाँ पर एक अच्छा पिक रहेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर मुझे शॉकिंग तो लग रहा है कि यहाँ पर देख सकते हो जो भी बॉलर्स, चारों बॉलर हैं, चारों बॉलर्स इंडियंस है दोस्तों, लेकिन फायर ब्रेक के लिए खेल रहे हैं। तो एक दुख की बात है कि हमारे इंडियंस वहाँ पर जाकर खेल रहे हैं, लेकिन चलो कहीं भी रहे एक अच्छा अपॉर्चुनिटी इन लोग को मिल रहा है एक अच्छा प्रूव करने के लिए। तो यहाँ पर चाहूँगा कि ये लोग अच्छा परफॉर्मेंस दें, क्योंकि आप अगर कोई भी T10 लीग देख रहे हो तो वहाँ पर ज़्यादातर नाम इंडियंस मिलेंगे। अब जो ECS है दोस्तों, शारजा का लीग हो गया, तो ज़्यादातर आपको इंडियंस के नेम ज़्यादा मिल रहे हैं, तो अपॉर्चुनिटीज यहाँ पर कम हो रहा है, तो वहाँ पर अपॉर्चुनिटी नहीं तो वेल PR कार्ड आके दोस्तों वहाँ पर सेटल्ड हो रहे हैं। तो यार चलो ये सब बात बकवास बात है, लेकिन यहाँ पर कोई भी हो लेकिन इंडियंस का नाम अच्छा रहे और अच्छा परफॉर्मेंस करें। तो दोस्तों इन सारे प्लेस की स्टार्ट देखने के बाद दोस्तों यहाँ पर हम लोग फाइनल टीम बनाएंगे। तो फाइनल टीम आप बनाने वाले हैं दोस्तों, थोड़ा नेटवर्क स्लो है, वेट कर लीजिए। तो यहाँ पर आपको सारा इन्फॉर्मेशन मैं हमेशा के लिए कवर करते रहता हूँ दोस्तों, लेकिन इसके लिए आपको मैं टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने के लिए आपको प्रेफर करूँगा, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने DP वर्ल्ड लाइन्स वर्सेस ईगल्स की जो आ रही है दोस्तों, इसका मैच मैंने कवर नहीं किया, तो नेदरलैंड्स वुमेन की मैच कवर कर रहा हूँ। तो वहाँ पर क्यों कवर नहीं किया दोस्तों, वहाँ पर कंपटीशन हाई होगा, तो आपको लो कंपटीशन मैच में निकाल रहा हूँ। तो विकेट कीपर पर लेडी दासवानी को पिक कर लीजिएगा दोस्तों यहाँ पर, कैरी यानी टॉमलिसन ओवरडिस्क, उसके बाद दोस्तों यहाँ पर लॉरा बेली है दोस्तों यहाँ पर, मारिको हिल को आप यहाँ पर कंफर्म कीजिए। उसके बाद यहाँ पर जूलियट पोस्ट ज्वेलिंग है दोस्तों, ज्वेलिंग लास्ट मैच में खराब परफॉर्मेंस रहा, लेकिन अभी एक अच्छा पिक रहेंगे। फॉस्टर को ले लीजिए, गुंजन शुक्ला है दोस्तों यहाँ पर, रुचिता वेंकटेश अगर खेलती है तो एक अच्छा पिक रहेंगे। चार्लेट दिलांजे है दोस्तों यहाँ पर, उसके बाद यहाँ पर गजीप्रा को आप यहाँ पर ले लीजिए। सोनाली पटेल भी एक अच्छा पिक रहेंगे दोस्तों यहाँ पर, चाहे तो आप ले सकते हो इनको भी। तो दोस्तों मेरा टीम बन गया, आप कैप्टन वाइस कैप्टन पर दोस्तों यहाँ पर किसको लेना चाहे, तो कैरी यानी टॉमलिसन है दोस्तों यहाँ पर एक अच्छा पिकिंग रहेंगे। और वाइस कैप्टन पर दोस्तों यहाँ पर आपको मैं दासवानी को लेने के लिए बोलूँगा, क्योंकि एक अच्छा टीम बनेगा दासवानी को लेंगे। तो यहाँ पर विकेट कीपर में 2 प्लेयर्स है, 3 बैट्समैन है, 3 ऑलराउंडर्स है, 3 गेंदबाज है। तो दोस्तों ये जो टीम है पहले इस टीम को सेव करके रख लीजिए, फाइनल टीम जो होगा दोस्तों आपको मैं टेलीग्राम पे दूंगा, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन के साथ साथ दोस्तों कमेंट सेक्शन में भी पिन किया, अब वहां जाके लिंक पे क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट मेरे टेलीग्राम चैनल पे आ जाओगे। तो दोस्तों मैं यहीं पर वीडियो को भी समाप्त कर रहा हूं, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कॉमेंट और सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों, इसके साथ साथ दोस्तों बेल आइकन को भी क्लिक करना है, इससे क्या होगा दोस्तों फ्यूचर में जो भी वीडियो मैं अपलोड करूंगा आपको सीधा नोटिफिकेशन मिल जाएगा, आप वहां जाके देख सकते हो। तो चलिए दोस्तों यहीं पर वीडियो को समाप्त करते हुए, जय हिंद दोस्तों।